इज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे आप लोग के रिक्वेस्ट पे जून 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैंने कर दिए हैं और आज मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किए हैं उसको मैं यहाँ शो आउट करूँगी एंड मैं कुछ ज़्यादा सा समझाने वाली भी हूँ मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगी एंड ये यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है सॉल्व टू थाउजेंड जून 2021 का पेपर तो आप इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना इन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना तो ये है आपका बी सी एस फोर जीरो का पेपर जो आपका स्टैटिक टेक्निक है ठीक है तो देखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में क्या uh, मतलब पैटर्न है आपको मैं समझाऊंगी ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो तो ये है बी सी एस जीरो फोर्टी स्टैटिकल टेक्निक इसमें क्या होता है ना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने ये फिफ्टी मार्क्स के होते हैं एंड इसके क्वेश्चन पेपर अटैम्प करने के सेक्शन दो होते हैं ठीक है सेक्शन ए में आपको बस चार क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसमें से सिक्स सेवन क्वेश्चन दिए होते हैं सिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से फोर क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं एंड सेक्शन बी से थ्री क्वेश्चन बनाने होते हैं ठीक है थीके? तो इसमें और क्वेश्चन पेपर की तरह ये नहीं है कि जैसे वन इज कंपल्सरी एंड अनदर तीन चार रेस्ट में से कोई तीन आप बना सकते हैं ना तो इसमें वो पैटर्न uh, नहीं है इसमें है कि आप सेक्शन ए को फोर क्वेश्चन कवर करोगे सेक्शन बी से थ्री क्वेश्चन कवर करोगे एंड ये है फिफ्टी मार्क्स के क्वेश्चन पेपर तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं

कन्वर्ट uh, करना ठीक है तो फर्स्ट वी हैव टू रेंज अरेंज द डेटा ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ वाई वीट का जो हमारा है थाउजेंड के का ठीक है उसके बाद ये प्रोडक्शन को हम लिखेंगे uh, मैं मेरे पास इतना लंबा चौड़ा ऑफ कोर्स किसी के पास भी कॉपी uh, नहीं होगा लेंथ में पिड में तो मैंने ये डबल डबल करके लिखा है ठीक है यहाँ थर्टीन तक लिखा है उसके बाद ये मैं दूसरा सीरियल नंबर फोर्टीन से जो भी रेस्ट बचत है उसको मैंने किया ठीक है ना हैव टू नो कि हमारे पास बिग uh, एन और स्मॉल एन क्या है बिग एन हमारे पास वीट है एंड स्मॉल ए यूनिट था तो उसको हम लोग कट आउट कर देंगे ठीक है ऑप्टन नंबर के हिसाब से एंड नाउ वी हैव टू टेक के इज इन इक्वल फोर क्योंकि थ्री पॉइंट फाइव है तो इट्स ओके फोर आप ले सकते हैं ठीक है क्योंकि पॉइंट में आप नहीं कर सकते आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक कभी पॉइंट्स में नहीं की जाती है ठीक है अगर आप फाइव से कम होता फोर होता तो हम थ्री लिखते अगर फाइव से ज्यादा है या फाइव है तो हम फोर उसको लेके चलते ठीक है तो वैल्यू पुट करके इस तरीके से कुछ हम लोग एक uh, मतलब कुछ को समझा देंगे आप इसको अच्छे से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा ना आई एम सॉल्विंग अ थ्री नंबर क्वेश्चन Uh, uh, average life of a CFL bulb is 1600 hours. To check this claim, a uh, uh, researcher takes a sample of 100 CFL bulbs of the same make random and find means life of uh, uh, 1517 uh, hours and with standard derivation of uh, 120 hours. तो इसमें आपको देखना है एंड क्लेम्स कुछ और फाइव फाइव uh, परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो इसमें आपको सिग्निफिकेंस निकालना है तो आपको एन पता है कि हंड्रेड है और uh, एक्सास्ट पता है कि आपको फिफ्टीन सेवेंटी है उसके बाद डेरिवेशन भी पता है कि आपको वन ट्वेंटी है आर पता है सिक्सटीन हंड्रेड है और एच uh, मतलब एच जीरो और एच वन इज ऑल्सो सेम सो पे टेस्ट कर सकते हैं आपका जो फार्मूला है टेस्ट टेस्टाइटिक का उस तरीके से आप सॉल्व करके यहाँ पे टू तो पॉइंट फाइव आएगा एंड ये जो अल्फा तो तो है आपका वन ज़ीरो पॉइंट फाइव होगा क्योंकि अगर ये टू पॉइंट फाइव है इट मीनस सेम ठीक है सो ये लिखो या ये लिखो इज ओके है तो फिर आप इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने किया है उसके बाद ये सिग्निफिकेंस का निकालने के बाद ये थोड़ा सा हिंट्स दे देना है उसके बाद मैंने फाइव नंबर क्वेश्चन लिया जिसमें uh, uh, है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का डिफिनीशंस और डिफ इसमें डिफरेंस बिटवीन निकालना था तो मैंने डिफरेंस बिटवीन निकाला है बहुत ईजी वे में तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट करके अच्छे से रेड रीड कर लेना फोर नंबर क्वेश्चन में मतलब मैंने फोर आंसर शीट के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर है बैठाइए सिक्स नंबर क्वेश्चन मूविंग एवरेज लेंथ निकालना है विच इज़ थ्री सो बहुत ज़्यादा ईजी आप लोग बहुत आसानी से निकाल पाओगे इस तरीके से आपको तीन पॉइंट लेने हैं जैसे कि फर्स्ट में आपको था दिया हुआ क्वेश्चन था पच्चीस पंद्रह तीस तो आप तीन लोगे और इसको ऐसे ही डिराइव करते जाओगे करते जाओगे ठीक है ऑफ कोर्स यहाँ पे तेईस पॉइंट थर्टी थ्री आया है तो थर्टी थ्री फाइव से छोटा है तो हम यहाँ तेईस ही लिखेंगे सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स है तो यानी फाइव से बड़ा है सिक्स सिक्स तो ये हमें थर्टी सेवन लिख सकते हैं ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद हम इसमें दिखा देंगे कि सेल्स क्या है मोवरेज क्या है ठीक है सेल्स के लिए हम डायमंड शेप यूज किए हैं और मोवरेज सिखाने के लिए हम ट्राइंगल शेप यूज किए हैं सो so, वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो चेकआउट कर लेना सेक्शन बी में एट नंबर क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आसानी से ये कर सकते हो बहुत इजी है ठीक है सेम थिंक है सेम प्रोसेस है वही काम करना है इसमें आर वन और इंटू आर सी वन होता है एंड उसके बाद थ्री मॉवरेज निकालने के बाद आप सी आर टू इंटू सी वन कर सकते हैं फिर आर थ्री इंटू सी वन सी टू से थ्री है ना और निकलने के बाद आप इस तरीके से पुट ऑफ करोगे जीरो हमारा वो जो आपको दिया हुआ था वो था फ्रिक्वेंसी जो निकला जो ये सब हम लोगों ने निकाला उसको फ्रिक्वेंसी ई में दे डालेंगे एंड देन ओ और ई e को माइनस करेंगे तो थर्टी और थर्टी टू माइनस माइनस टू एंड इसका स्क्वायर विच इज फोर एंड इसको हम फोर को ई e, यानी ई e से डिवाइड करेंगे थर्टी टू से तो कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट में आंसर आएंगे And the derivation is plus, इसको plus करके कर कर देंगे देंगे सारे को ठीक है उसके बाद ये पे कर देंगे, and answer is ready. Number question में आप देख सकते हैं कि आपको दिखाना था किसी भी दो क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे तो हमने क्लस्टर सैम्पलिंग पे लिखा और ये करेक्शन एंड रैंक कलेक्शन पे मैंने लिखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखना जो कि मैंने आ, आप देख सकते हैं एंड जो भी आ, वीडियो चाहिए आपको जून या दिसंबर के लिए भी 2021 का वो चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मैं जरूर चैनल पे अपलोड कर दूंगी एंड एग्जाम के बहुत कम टाइम बच गए तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है इस सब के लिए तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो क्योंकि तो अभी मेरे पास मैं इस मंथ तक जरूर आपके लिए कर पाऊंगी ठीक है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेक केयर बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेक केयर